ये कार मेरे फोन का कैमरा यूज करके एआई की मदद से इस ट्रैक पर खुद से ऑटोमेटिकली चलने वाली है, बट इसे टेस्ट करने से पहले इसे समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ओके गाइस, वेल्कम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाने वाला हूँ। अभी हम एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जिसमें हम एक छोटी सी कार लेंगे और उसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के मेजर चार पार्ट्स होने वाले हैं, तो स्टार्टिंग में हम फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कर सकते हैं और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट वेट करेगा जब तक कार नहीं आ जाती तब तक के लिए। तो इससे पहले कि हम फर्स्ट और सेकंड स्टेप की तरफ बढ़े, मैं अमेज़न पे जाके एटलीस्ट कार का ऑर्डर तो प्लेस कर ही देता हूँ। पहले मैं ना सोच रहा था कि कुछ इस टाइप की कार ले लेंगे, मगर इसमें दिक्कत वही है कि हमें ये कार एक्चुअली ऑटोमेटिकली ऑपरेट करनी है, तो फिर इसे खोल के फिर उसमें चेंज करना बड़ा ही दिक्कत हो जाएगी। ये कार ठीक लग रही है, इसमें सिर्फ दो मोटर्स हैं, पर ये कार नहीं ऑटो रिक्शा हो जाएगा फिर। 13,000 का ट्रक, क्या खुद चल जाएगा क्या ये? चार मोटर्स हैं इस पे अपने पास जो हम ऑपरेट कर सकते हैं इसलिए, और ये कैमरा माउंट करने के लिए भी एक प्लेस होल्डर सा दिख रहा है इसमें मेरे को, तो इसे 8-2 काट कर देते हैं। तो चलो, कार का ऑर्डर तो प्लेस कर दिया मैंने, अब बढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट में मैं एक एंड्रॉयड ऐप बनाने वाला हूँ जो मेरे स्मार्टफोन के कैमरा को यूज करके फोटोज क्लिक करेगा और उन फोटोज को मेरे लैपटॉप को भेजेगा। तो ये एंड्रॉयड ऐप तो मैंने बना दी है, ऑलमोस्ट एक कैमरा ऐप जैसा ही दिखता है, एंड ऊपर इसमें मैंने एक बटन डाला है जिस पे एक क्लिक लिखा है, एंड इसे जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये कंटिन्यूसली फोटोज खींचता रहता है और ये मेरे लैपटॉप को भेजता है कुछ ऐसे, और ये हम लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो फोटोज लैपटॉप पे रियल टाइम ट्रांसफर होती जा रही है। तो यार ये स्टेप तो मुझे कंप्लीटेड सा ही लग रहा है, तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। सेकंड पार्ट में मैं एक एआई एल्गोरिदम तैयार करूंगा जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड है। ये एल्गोरिदम फोन से ली गई फोटोज को प्रोसेस करके ये प्रेडिक्ट करेगा कि कार को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो भाई लोग, थोड़ा सा स्कैम हो गया मेरे साथ। ये कुछ ऐसा सा पीस बन रहा था जो मैंने बनाया था, एंड इसके ऊपर ये प्लेट ऐसे जा रही है, बट एक्चुअली हुआ क्या है कि इन दोनों पीसेस को अटैच करने के लिए कितना तो बस स्क्रू जाता है इस मोटर के थ्रू, इस मोटर के अंदर होल्स है तो उसके थ्रू वो जाता है, एंड वो उन्होंने दिया ही नहीं, बट उसकी जगह मैं सिंपली ये मोटर्स को नीचे ऐसे ही लगा देने वाला हूँ। तो फाइनली मैंने ये कार भी असेंबल कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स भी बना दिए, और ये कार ना मेरे लैपटॉप से कंट्रोल हो जाती है। तो अगर मैं अपने लैपटॉप पर W दबाऊंगा तो ये आ भी जाएगी, डी दबाऊंगा तो ये राइट मुड़ेगी, और ए दबाऊंगा तो ये लेफ्ट जाएगी। A few moments later. Actually, algorithm तो मैंने पूरी बना दी है, और अब इस कार को ट्रैक पर ट्रेन कर लेते हैं। ट्रेन करने के लिए मुझे इस कार को पहले मैनुअली ड्राइव करना पड़ेगा पूरे ट्रैक पर, ताकि ये सीख पाए कि चलना कैसे है। तो फाइनली हमने ऑलमोस्ट सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए और इसे ट्रेन भी कर दिया है, तो अब जाके इसे फाइनली टेस्ट करते हैं ट्रैक पे और देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। टेस्ट 1 में मैंने एआई को लगभग ट्रैक की 300 फोटोज पर ट्रेन किया है, और ये जो कट कट की आवाज आ रही है ना, ये एक्चुअली मेरे फोन के फोटो खींचने की आवाज है, और ये कार धीरे इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने अभी कार को लो पावर मोड पे रखा है। टेस्ट 1 तो एक तरीके से फेल हो गया क्योंकि पहला टर्न तो कार ने सही लिया, बट आगे जाके वो लेफ्ट और राइट में जाके कंफ्यूज हो गई और अटक गई वहीं पे। पर टेस्ट 2 के लिए मैंने इस कार के एआई को थोड़े और डेटा पे ट्रेन किया, तो देखते हैं ये एक्स्ट्रा डेटा कुछ कर पाता है या फिर नहीं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। टेस्ट 2 तो टेस्ट 1 से भी ज्यादा खराब हो गया, बट मुझे काइंड ऑफ समझ आ गया कि दिक्कत क्या है। हमारा जो ट्रैक है ना, वो हमारी कार के लिए बहुत ज्यादा पतला है, जिसकी वजह से वो राइट और लेफ्ट में अटक जाती है, क्योंकि वो ज्यादा ही राइट टर्न ले लेती है या फिर ज्यादा ही लेफ्ट टर्न ले लेती है। तो अब नेक्स्ट टेस्ट के लिए मैंने ट्रैक की विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो अब देखते हैं बड़े ट्रैक पे कैसा परफॉर्म करती है, और इस टेस्ट के लिए मैंने कार की पावर भी थोड़ी सी बढ़ा दी है।
फाइनली अपनी कार ने पूरा ट्रैक कवर कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपके पास और कोई ऐसे अच्छे आइडियाज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।